दीदी प्रणाम। दीदी हम अनन्या भक्ति को ईश्वर प्रणिधान द्वा जो कहते हैं कह सकते हैं। हाँ हाँ वही ईश्वर प्रणिधान या अनन्य भक्ति शब्द मात्र का अंतर वही है, एकाग्रता भी वही है। ये सारी चीजें एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़ी होती हैं, जैसे वृक्ष की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं ना, या टहनियां पत्ते पूरे कनेक्ट रहते हैं उससे। तो ऐसे ही अच्छाई और बुराई ये दोनों ही ऐसी ही हैं। बुराई भी एक बुराई है तो उसके साथ 10 बुराइयां जुड़ी ही रहती हैं, ऐसे ही अच्छाई भी एक है तो उसके साथ फिर 10ों अच्छाइयां जुड़ी ही रहती हैं, तो इंटरकनेक्ट होते हैं ये। तो हम जब योग करते हैं तब हमारी जब ऐसा सोचो कि ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, मुझे प्राणायाम करके इस शरीर को अच्छा रखना है, तो ये भी अनन्य भक्ति में आएगा। ये भी अनन्य भक्ति में आएगा। और आप कुछ भी मत सोचो, आप देख जस्ट देखो, दृष्टा बन के रहो, हो रहा है। जैसे आप स्वामी जी को देखते हो ना कि मंच पे कर रहे हैं स्वामी जी, ऐसे अपने आप को भी देखो। ये जो कल पढ़ रहे थे ना, प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति से ही ये सारे कर्म किए जा रहे हैं और मैं प्रकृति नहीं हूं। तो ये इसका अंतर अपने ही जीवन में देखना, प्रकृति से सारे कर्म कैसे किए जा रहे हैं, इसको सबसे पहले अपने शरीर में अपने जीवन में देखें कि मैं दृष्टा हूं और मेरे शरीर में जो भी, मेरी इंद्रियों में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। उसको ही एक दिन में तो दिखेगा नहीं, तो उसको जानने की कोशिश करते रहोगे, खोज करते रहोगे, करते रहेंगे, तो फिर कुछ भी जो हम चाहते हैं वो हम पाते हैं, ये तो पक्का है। लेकिन उसका ऐसे मत करना है कि आज बीज बोया और कल एक आम खाने के लिए चले गई, ऐसे नहीं होगा कभी भी। बंदर करते हैं ना ऐसे, कहीं से आम चूसा, गुठली उठाई, उसको जमीन में गाड़ा और अगले दिन पूरा झुंड बना के चले गए कि कल बीज बोए थे आम, आज चलो पेड़ बन गए होंगे, आम लग गए होंगे, खा के आते हैं। एक दिन में कैसे आम लग जाएंगे? तो एक दिन हमने ध्यान रखा, एक दिन भक्ति की स्थिति में रहे और फिर हम उस अपने आप से ये अपेक्षा करें कि ज्ञान तो नहीं हुआ अंदर से कुछ भी, पूरे दिन तो भक्ति की स्थिति में रहा, आत्म साक्षात्कार तो नहीं हुआ, प्रकृति का साक्षात्कार तो नहीं हुआ, तभी तो बोया है बीज, अंकुरित तो होने दो। तो उसमें जितना भी समय लगे लगने दो, तो उसकी कोई कंडीशन अपने मन में करके नहीं रखना कि इतने ही समय में इतना रिजल्ट मिलना ही चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं करना, वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। किसान बीज बो करके कोई कंडीशन नहीं रखता है कि अंकुर कब फूटेगा, वो ईश्वर पे छोड़ देता है। कुछ बीज का 3रे दिन में फूट जाता है, कुछ का 8 दिन में, कुछ का 15 दिन में, कुछ का तो वर्ष भर में, ऐसे अलग अलग बीज की क्वालिटी पे निर्भर करता है वो और जमीन की क्वालिटी पे निर्भर करता है। तो आगे चलो, और कोई किसी का प्रश्न है? प्रकृत्या एव च क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं। तो फिर अपने आप को ये क्या देखता है कि मैं क्या हूँ? अकर्ता हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ। और नहीं, जब अलग अलग नहीं देख पाता है तो ये अपने आप को ही क्या मान लेता है? कर्ता मान लेता है। इसलिए कोई पुण्य कर्म करके ये अपेक्षा कर लेता है कि मुझे इसका अच्छा फल मिलना चाहिए, और कोई भी बुरा कर्म करके ये सोच लेता है कि इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, तो हमेशा उसी में उलझा ही रहता है, ये ऊहापोह में ही, उन कर्म और कर्म के फल में ही, आसक्ति और अनासक्ति में ही उलझा रहता है। अच्छा काम करता है तो आसक्ति बनी रहती है कि इसका फल मिलना ही चाहिए, बुरा कर्म करता है तो उससे अनासक्ति, उससे बचने की कोशिश ही करता रहता है कि ये नहीं मिलना चाहिए मुझे, कष्ट नहीं मिलना चाहिए मुझे, किसी से भी डांट नहीं पड़नी चाहिए मुझे, किसी से भी अपमान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जब आपने डांट खाने के काम किए हैं तो डांट पड़नी ही चाहिए, क्यों नहीं पड़नी चाहिए? जब आपने किसी के प्रति बुरा भाव अपने हृदय में रखा है तो वहां से मेरे को वैसा ही रिस्पॉन्स मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो या तो आपको अगर सब कुछ विशुद्ध चाहिए तो फिर विशुद्धता के बीज वो,
इतने जागरूक रहो तो फिर वही मिलेगा। या फिर ये स्वीकार कर लो कि दो ही तो चीजें हैं संसार में, या तो सुख या तो दुख, तो जो भी आए आने दो, आएंगे चले जाएंगे। सुख आए तो भी उसके साथ लिप्त नहीं होना, दुख आए तो भी लिप्त नहीं होना, आया है चला जाएगा, आप अलग रहो। तो दोनों में से कोई भी किसी भी तरह से साधक अपना रास्ता निकाल ही लेता है, बस बशर्ते वो चलने के लिए तैयारी करे, या तो जो पहले से ट्रैक बने हुए हैं उसी में किसी ना किसी पे चढ़ जाएगा। वो कोई भी उसके हाथ में नहीं लगा तो वो अपना एक नया रास्ता बना लेगा, जिसकी चलने की लेकिन अभीप्सा है उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती है। और कम से कम अनुकूल परिस्थिति तो भले ही रोक ले, प्रतिकूल परिस्थिति तो चलने वाले को कदापि नहीं रोक सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही महान आत्माओं का निर्माण हुआ है, जो पीछे का इतिहास है वो ये बताता है। और हमारे अपने जीवन के अनुभव भी यही बताते हैं कि जब जब भी हमने ग्रो किया जीवन में, अपलिफ्ट हुए, तो तब तब जरूर हुए जब कोई प्रतिकूलता आई, तब तब जरूर कुछ ना कुछ सीखा हमने। हो सकता है अनुकूलता में हम उसका महत्व ना समझ पाए हों और हम प्रमाद में हमने उसको गंवा दिया हो, लेकिन प्रतिकूलता में तो प्रकृति उसको अपलिफ्ट करती, सिखा देती है सब कुछ सहन करना और उससे बाहर निकलना। तो या तो हम इसको मान लें कि भाई ये दो ही तो चीज, अगर अपने आप को कर्ता मानते हैं तो कि मैं ही करने वाला हूं, तो फिर दोनों आने दो, पुण्य किए हैं तो उसका फल स्वीकार है, कहीं त्रुटि हुई है तो उसका फल भी स्वीकार है, आ जाए दो, मैं तैयार हूं दोनों लेने के लिए। या फिर अपने आप को अकर्ता माने तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, फिर गुण गुणों में बरत रहे हैं। तो गीताकार ने तो इसी को ठीक दृष्टि माना है कि ये सारे कर्म जो हैं ये प्रकृति से ही हो रहे हैं। ये आत्मा कैसा है? अकर्ता है, अलिप्त है, ये स्वभाव ही ऐसा है इसका। हम कोशिश कर करके इसको लिप्त करते रहते हैं। इसीलिए मैंने कल एक बात कही थी कि बंधन तो प्रयास सिद्ध है और मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है, उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव से ही आत्मा मुक्त है। और बंधन के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, बंधन में बंधन है तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी, असत्य आचरण करना पड़ेगा, प्रमाद करना पड़ेगा, आलस्य करना पड़ेगा, प्रकृति को जबरदस्ती अपने ऊपर आरोपित करना पड़ेगा, संसार के जो संबंध हैं या जो कर्म किए जा रहे हैं इन इंद्रियों से, उन सब को अपने ऊपर आरोपित करना पड़ेगा कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे नहीं हैं। ये इतने सारे प्रयास बंधन के लिए करने पड़ते हैं, और मुक्ति के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, स्वभाव से ही मुक्त ही हूँ, निर्लिप्त ही हूँ मैं। पर इस स्थिति को देख पाना, यदा भूत पृथक भावे एकस्थम अनुपश्यति, जब भूत पृथक भावम, पांच भूतों को पृथक सत्ता वाले इस प्रकृति को एकस्थम अनुपश्यति, उस एक में ही स्थित देख लेता है। किस में स्थित हैं ये सारे भाव? ब्रह्म में, ईश्वर में। जब उस एक में स्थित देख लेता है कि ये सारा सब कुछ उसी से हो रहा है, कल आई थी ना ये बात कि भाई जड़ तो अपने आप कोई कर्म कर नहीं सकता है, क्योंकि गति ये जड़ का गुण नहीं है, और क्रिया जहां जहां हो रही है वहां वहां गति है, और आत्मा कुछ करती नहीं है। ये गीताकार कह रहे हैं कि ये अकर्ता है, सांख्य भी यही कह रहा है, तो ये कर्म करता कौन है? तो कल इन्होंने बताया था कि ये सारे भाव जो हैं पांच भूतों के माध्यम से, या भूतों से बनी जो इंद्रियां हैं भौतिक, इनके माध्यम से जो भी कर्म हो रहे हैं, या प्रकृति, मूल प्रकृति के जो विकार हैं 24, उनके माध्यम से जो भी कर्म हो रहे हैं इस ब्रह्मांड में, उन सब का नियंता, उन सब को वो गति देने वाला, वो सारे कहाँ एकत्रित होते हैं? उस एक में, उस एक ब्रह्म में, वो उनको गति दे रहा है, करता नहीं है।
होता तो प्रकृति के ही माध्यम से है, लेकिन शक्ति किसकी है, प्रेरणा किसकी है, निमित्त कारण कौन है, ब्रह्म ही है। तो उसी को ही कह रहे हैं, यदा भूत पृथक भावे एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम। ततः एव, उसी से ये सारा विस्तार है। किससे? ब्रह्म से। उस ब्रह्म ने ही ये सारा विस्तार किया है। ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। सारा विस्तार उसी से है, तो मूल में कौन है, वो है, तो हमने उसको पकड़ लिया, तो फिर हमने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। बस इतनी सी बात है। इस सारे प्रपंच को, इस सारे ब्रह्मांड को और इस हमारे पिंड को भी कौन चला रहा है, वो एक ही चला रहा है, तो उसको आप आत्मा कहें, परमात्मा कहें। शरीर में चला रहा है जो, जिसकी शक्ति से चल रहा है वो आत्मा है, और सारा ब्रह्मांड जो चला रहा है वो परमात्मा है, वही एक चेतन तत्व है, तो हम उसको प्राप्त कर जाते। ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। और ऐसा जब सोचते हैं ना, तो फिर बहुत एक रिलैक्सेशन आता है मन में, बहुत एक, मतलब हम बिल्कुल ऐसे जैसे वो पत्ते सूख करके झड़ जाते हैं ना, ऐसे सारे हमारे पाप दोष अहंकार वो सब ऐसे झड़ जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, अकर्ता हूँ मैं। झगड़े सारे कब होते हैं, जब मैं करता हूँ। घर में झगड़े क्यों होते हैं, ये तो कुछ भी काम नहीं करते, मैं सारा काम करती हूँ या करता हूँ, ये सब बैठ के खाते हैं, मैं अकेला नौकरी करके पुरुषार्थ करके कमा के लाता हूँ, तो वो व्यक्ति झुंझलाता है फिर कि तुम सब उड़ा रहे हो, मैं कमा रहा हूँ। संगठनों में भी, संस्थानों में भी झगड़े किस लिए होते हैं, संगठन में झगड़े किस लिए होते हैं जी, ये कभी कोई एक योग की कक्षा नहीं चलाते हैं, और जब स्वामी जी आते हैं तो सबसे पहले मंच पे आशीर्वाद लेने के लिए चढ़ जाते हैं, करते हैं हम हैं, आशीर्वाद ये ले लेता है, तो कर्ता मानने से ही सारे झगड़े होते हैं जी। यहाँ आके हमें तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम कब से सेवा कर रहे हैं, ये तो कल आया था, और इसको देखो कितना महिमा मंडित कर रहे हैं, इसको कितना सिर पे चढ़ा के रखे हैं, इसके तो हर दोष माफ हैं, हमारा तो है ही नहीं, मैंने कितना किया, तो मैंने किया ही नहीं तो क्लेम भी नहीं है फिर। जहां जाकर के जिस संस्थान में हमने नहीं किया कुछ, माना कि मैं पतंजलि योगपीठ में रहती हूँ, तो मैंने किसी दूसरे संस्थान में तो काम किया नहीं, सेवा की नहीं, तो वहां जाके मैं झगड़ा भी नहीं करती हूँ, क्यों, मैंने किया ही नहीं ना। मैं जाकर के किसी, जैसे डोमेट आश्रम में स्वामी जी से झगड़ा थोड़ी करूंगी, क्योंकि मैंने वहां सेवा ही नहीं की। मैं जाके श्री श्री रविशंकर जी से झगड़ा थोड़ी करूंगी, या मुरारी बापू से, कहीं भी जाके हम झगड़ा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने वहां कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए वहां जाके जो भी रूम मिल जाए, जो भी खाना मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, ठीक है, खुश है। यहाँ झगड़ा करते हैं क्यों, हमें लगता है यहाँ तो हमने किया है, बहुत किया है, तो इसलिए यहाँ झगड़ा होता है। तो जब ये पता लगे कि मैंने नहीं किया, मैं करता नहीं हूं, कोई शक्ति कर रही है, वो मेरे पहले भी कर रही थी, सृष्टि को ऐसे ही चला रही थी, मेरे बाद भी ऐसे ही चलेगी। इतने महापुरुष राम कृष्ण अर्जुन भीम जैसे बलवान आए, तब भी ये सृष्टि ऐसे ही चल रही थी, उनके जाने के बाद भी ऐसे ही चल रही है, सदा ऐसे ही चलेगी, कोई और चला रहा है, मैं तो निमित्त मात्र बनाऊं एक छोटे से पीरियड के लिए, तो फिर व्यक्ति पूरा रिलैक्स हो जाता है। फिर जब मैंने कुछ किया ही नहीं, तो फिर किस बात का झगड़ा। तो ये बहुत बड़ा एक दर्शन है, निमित्त मात्र बन करके रहना। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तब वो ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। और कभी कभी वो प्राप्त किए किए को भी उसको देखने की फुर्सत नहीं है, कि प्राप्त हो गया फिर भी देखने की फुर्सत नहीं है, ऐसे भी होता है। व्यक्ति को चीज मिली ही होती है और फिर भी वो दौड़ ही रहा होता है,
बच्चा कब रोता है? जब उसको भूख लगती है, और जब उसको भूख लगती है तो माँ उसके पास दूध लेके आती है, बड़ा है तो बोतल लेके आती है, छोटा है तो अपने हृदय का अमृत पिलाती है उसको। लेकिन कभी कभी माँ ने गोद में भी उठा लिया, दूध पिलाने को भी तैयार है, तो भी बच्चा रोए ही जा रहा है, उसको पता ही नहीं मैं आ गया गोद में। माँ उसके पास बोतल लेके खड़ी है, लेकिन उसने अपने रोने की फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा दिया, वो बोतल को देख ही नहीं रहा है कि दूध तो आ गया, पी नहीं रहा है। ऐसे भी होता है कभी कभी। तो कभी हमारे, कभी क्या, हमेशा ही हमारे पास ही है ब्रह्म, हमारे पास ही है वो आनंद, वो ब्रह्म, वो विस्तार, उसका सारा ये विस्तार। और उसको जान करके भी फिर हम स्वीकार नहीं करते हैं, अनजाना जैसे रहते हैं। हम इस चीज को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं हैं कि इन सब कर्मों को वो ही कर रहा है और मैं देख रहा हूं उसको, तो भी स्वीकार नहीं करते। और कुछ चीजों में तो स्पष्ट ही दिखाई देता है, प्रतिदिन सूर्योदय का होना, ऋतुओं का बदलना, रात्रि के अंधकार का नष्ट होना, फूलों का सुगंधित होना, वायु का बहना, ये हमने किया है क्या? हमने नहीं किया, किसी ने किया है। तो जैसे उन सब में कोई कर रहा है, ऐसे ही इस पिंड में भी कोई कर रहा है। अगर मैं इस पिंड की क्रियाओं का मालिक होता तो मैं कभी भी अपने आप को रोगी नहीं होने देता, कभी भी दुखी सुखी नहीं होने देता। तो मैं निमित्त मात्र हूं, ये किसी और की कृपा से हो रहा है, ऐसा देख लेता है तो फिर वो तदा ब्रह्म संपद्यते अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो ईश्वर कैसा है? अनादि, अनादित्वात्। ईश्वर से ही ये सारा विस्तार है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि ईश्वर कैसा है? अनादि। और ये जो विस्तार दिखाई दे रहा है ये कैसा है? आदि, आदि वाला है ना, सृष्टि का विस्तार तो तब हुआ जब सृष्टि बनी, उससे पहले तो विस्तार था नहीं। तो उस सृष्टि के बनाने से पहले भी कोई विद्यमान होना चाहिए, तभी तो वो विस्तार करेगा। विस्तार से पहले कोई विस्तार करने वाला होना चाहिए। तो ये सारा विस्तार ईश्वर ने ही किया, ये हम कैसे माने? क्योंकि वो ही अनादि है, उसके अतिरिक्त तो सब आदि वाले हैं। तो आदि वालों ने तो विस्तार किया नहीं, उससे पहले जो था उसी ने विस्तार किया, तो वो कौन है? ईश्वर। अनादित्वात, अनादि होने से, निर्गुणत्वात, गुणों का अपने आप, गुण क्या है? जड़ है, और जड़ का बिना चेतन के, प्रेरणा के विस्तार नहीं हो सकता है, आज भी नहीं हो सकता है प्रत्यक्ष में भी। तो गुण अपने आप तो ऐसे पांच भूतों के रूप में मूल प्रकृति से लेके पंचभूत तक की यात्रा कर नहीं सकते हैं। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उन गुणों के अतिरिक्त हो, जो उन गुणों को भी गति दे रहा है। तो ईश्वर कैसा है? निर्गुण है। तो ये निर्गुण होने से ईश्वर ने ही इस सारी सृष्टि का विस्तार किया। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः। और ये परमात्मा कैसा है? अव्यय, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो वो सृष्टि के आदि में भी था, इस सृष्टि के अंत के बाद भी वो रहेगा, उसका नाश नहीं होता है। तो जो आदि में भी है, अंत में भी है, वही मध्य में भी है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय। यद्यपि जब वो सर्वव्यापक है तो शरीर में भी व्यापक है, जब वो कण कण में व्यापक है तो मुझ में भी व्यापक है, और मेरे एक एक अणु परमाणु में व्यापक है, एक एक सेल में वही व्यापक है। एक एक सेल हमारा जिंदा है, वो चेतना से ही तो जिंदा है। तो शरीरस्थोपि, यद्यपि मेरे शरीर में भी वो स्थित है, तो भी मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।
सर्वव्यापक है, सब जगह है, सब में वही प्रेरणा दे करके सारा विस्तार कर रहा है, लेकिन इतना सब करके भी न करोती। कितनी पहेली जैसे बना दिया है इस श्लोक को। सब उसी का विस्तार है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है, अकरता है वो, न करोती न लिप्यते, और वो उससे लिप्त भी नहीं होता है। इसी स्थिति को जो 18वें अध्याय में जो वो बताया है ना, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, स्मृति की उपलब्धि यही है, यही स्मृति लब्धा की स्थिति है कि मैं निर्लिप्त हूँ। जब तक अर्जुन को ये लगता रहा मैं मारने वाला हूँ, ये मरने वाले हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तब तक वो बड़ा परेशान रहा। और जब उसने भगवान का विराट रूप देखा और उसका वो विभूति वाला रूप देखा, तो उसको लगा कि सब इनके जबड़े में जा ही रहे हैं, काल के गाल में सब जा ही रहे हैं सारे शरीर, तो मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो उस दृष्टि से फिर सोचते 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 और फिर उसको अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो गई, तो फिर उन्होंने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा। स्मृतिर लब्धा मतलब क्या है? आत्म स्वरूप की स्थिति का साक्षात्कार हो जाना। उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं कैसा हूं, निर्लिप्त, इन सबको मार करके भी मैं हंता नहीं हूं, निमित्त मात्र हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं इनको मारने वाला नहीं हूं। ऐसा सोच के किसी की पिटाई मत करने लग जाए ना बाहर जाते ही, ये मैं तो निर्लिप्त हूं। हाँ, तो कभी किसी की चीज उठा ली, बोले मैं तो निर्लिप्त हूं, मैंने थोड़ी उठाई। तो दुरुपयोग नहीं करना ज्ञान का, ये एक स्थिति है, ये जब तक नहीं पाई तब तक जिम्मेदारी लेना है। जिम्मेदारी बाहर से लेना है, अंदर से यही मानना है कि प्रकृति ही कर रही है, मैं निर्लिप्त आत्मा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो न करोति न लिप्यते, उस ईश्वर के अनादि होने से, निर्गुण होने से, अव्यय होने से, ये सारे कारण हैं कि ये सब वही कर रहा है, उसी का ही विस्तार है, अविनाशी अनादि निर्गुण, और वो इस शरीर में रहते हुए भी कुछ कर्म नहीं करता है और ना ही वो किसी कर्म से लिप्त होता है। न लिप्यते यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। कैसे लिप्त नहीं होता है जी, ये कैसे हो सकता है कि वो ही शरीर में है, वो सब कुछ कर रहा है और फिर भी लिप्त नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो उदाहरण दिया कि जैसे आकाश, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, आकाश कहां कहां है? सब जगह है, सूक्ष्म होने के कारण बाहर तो है ही, अंदर भी है आकाश। जैसे इस दीवार के बाहर तो आकाश दिखाई दे ही रहा है, दीवार के अंदर भी है। कैसे पता लगा? जब आप दीवार में पानी डालेंगे तो उसके अंदर ही चला जाता है, तो इसका मतलब थोड़ा खाली स्थान है वहां पे, वायु भी वहां चला जाता है। तो आकाश, आकाश सूक्ष्म होने के कारण सर्वगत है, सब जगह गया हुआ है, सब जगह उपस्थित है, अंदर भी बाहर भी, हमारे शरीर के बाहर भी है आकाश और हमारे शरीर के अंदर भी है आकाश, खाली स्थान जो भी है ना, सर्वगत है ना। तो हमारी हड्डियों में भी आकाश है, मांस के अंदर भी आकाश है, आकाश मतलब खाली स्थान, स्पेस। तो गुंजाइश बनी ही रहती है, जहां हमें स्थूल आंखों से नहीं दिखता है वहां भी आकाश है। तो जैसे ये आकाश यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् सूक्ष्म होने के कारण नोपलिप्यते, लिप्त नहीं होता है, लेकिन आकाश हमारे से चिपकता नहीं है ना, सर्वगत है लेकिन हमारे से लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त ही रहता है आकाश। ऐसे ही वो तो आकाश से भी सूक्ष्म है ब्रह्म, तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होने के कारण, जब जैसे आकाश लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही सूक्ष्म होने के कारण ब्रह्म भी लिप्त नहीं होता है। सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते, आत्मा भी
ऐसे ही सूक्ष्म होने के कारण, आकाश की भांति सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशयति कह कृत्स्नम लोकम इमम रवि ही क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयति एकः, जैसे एक रवि, एक सूर्य जैसे इमम कृत्स्नम लोकम प्रकाशयति, अकेला ही इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, आलोकित कर देता है। ऐसे ही क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। ये जो क्षेत्र और क्षेत्री का जो ज्ञान है, इन दोनों का जो अलग अलग अस्तित्व का अनुभव है, ये क्या करता है, संपूर्ण अस्तित्व को प्रकाशित कर देता है। या फिर इसका दूसरा अर्थ ये है कि ये जो क्षेत्री है अर्थात आत्मा, ये इस क्षेत्र को अर्थात प्रकृति को प्रकाशित कर दे बिना लिप्त हुए। ऊपर आया था ना 31 नंबर सूत्र में कि वो सब कुछ करता है लेकिन न करोति न लिप्यते। तो फिर उसके लिए बताया कि जैसे आकाश लिप्त नहीं होता है, फिर दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य लिप्त नहीं होता है। सभी पदार्थों के विस्तार के लिए सूर्य ही निमित्त है। यदि सूर्य ना हो तो ना वृक्ष ग्रोथ करेंगे, ना सब्जियां होंगी, ना पानी होगा, माने अस्तित्व ही नहीं होगा पृथ्वी का। लेकिन ये सब करते हुए भी सूर्य इस सब से लिप्त नहीं होता है, सब करता है लेकिन लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही ये जो क्षेत्री है अर्थात जो आत्मा है, ये सब कुछ करते हुए भी लिप्त नहीं होता है, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता जैसे रहता है। संसार की सारी क्रियाएं सूर्य ही करता है एक तरह से। सूर्य यदि उदय ना हो तो एक भी क्रिया ना हो संसार की, एक भी कर्म ना हो, लेकिन सारे कर्म करते हुए भी वो अपने आप को अलिप्त रखता है, निर्लिप्त रखता है। सारी क्रियाओं का क्रेडिट कोई सूर्य को थोड़ी देता है। जो भी हम कमाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो सब सूर्य के कारण ही हो रहा है। लेकिन सूर्य उनका ना पुण्य का निमित्त भागी बनता है, ना पाप का बनता है। उसी सूर्य के प्रकाश में एक व्यक्ति किसी की हिंसा कर रहा है, प्राणियों को काट रहा है, दुकान पे मांस काट काट के बेचते हैं। एक व्यक्ति उसी सूर्य के प्रकाश में यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, दान कर रहा है, तो दोनों ही सूर्य के प्रकाश को प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सूर्य ना तो इसके पाप का भागी है और ना इसके पुण्य का भागी है, दोनों ही क्रियाओं से वो निर्लिप्त है। तो ऐसे ही ये आत्मा भी संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है, लेकिन फिर भी ये उससे निर्लिप्त ही रहती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। तो इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ये अंतर है, इनका जो भेद है, इसको ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी चक्षुओं से, भूत प्रकृति मोक्षम च, पांच भूतों को, प्रकृति को माने पंचभूतात्मक जो प्रकृति है उससे, मोक्षम च आत्मा के मोक्ष को, ये विदुः जो अलग जानते हैं, ते परम यान्ति, वे परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। तो ये अध्याय भी अभी समाप्त होता है और आज की कक्षा का समय भी समाप्त होता है। आज यही पाठ को विराम देते हैं। ॐ शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।